Hello friends, I am Ashish Gupta and you are watching BioLearning Point, and today my topic is the history of beekeeping. In that topic we will study about the history of beekeeping. From the convenient of our study, I divide the history of beekeeping in three time zones. First is ancient history, second is medieval history, and third is modern history. We will talk about first the ancient history. The ancient history is the collection of events which is responsible for our modern beekeeping, because it contains the method and the problems which arise during the rises the beekeeping industry. तो हम इस ancient history में Egypt के बारे में बात करेंगे और उन सभी methods के बारे में बात करेंगे जो पहले use किए जाते थे. तो ancient of जब beekeeping जब arise हुई थी तो ये तब की बात है जब हमें अभी हाल में पता चला था कि insects भी हमारे लिए काम कर सकते हैं. ये कई तरह के products हमें दे सकते हैं, सीक्रेट करते हैं जो हमारे आज रेगुलर लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं जिनको. तो सबसे पहले जो पेंटिंग है हमारे सामने, इसे कहते हैं पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ है, ये 8000 साल पुराना पिक्टोग्राफ है जो ये स्टोरी बता रहा है कि कैसे पहले मेथड था बी कीपिंग का, कैसे एक ह्यूमन बींग एक्सट्रैक्ट करता था बी हाइव से हनी को. तो इस पेंटिंग में एक ह्यूमन बींग है जो ट्री में चढ़ा है और वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है अपने हनी को बीहाइव से डायरेक्ट विद हैंड. वो हैंड को डायरेक्ट बीहाइव में डालता है और कॉलोनी को निकाल लेता है. तो ये मेथड काफ़ी डेंजरस हो सकता था क्योंकि ये मेथड बीस की कॉलोनी और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट ऐसा करता है तो बी की पूरी कॉलोनी वर्कर बीस उसमें अटैक कर सकती थी और उसकी जान दी जा सकती थी, और इससे बीस की कॉलोनी नष्ट भी हो सकती थी. उनके पूरा उनकी प्रीशियस जो क्यून है उस पर खतरा होता था, क्यू ख़त्म हो जाएगी. और अगर बीस की कॉलोनी की क्वीन ख़त्म हो जाए तो पूरी कॉलोनी भी नष्ट हो सकती है. तो सबसे पहले ईयरली फॉर्म्स ऑफ हनी कलेक्टिंग इंटेल्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर कॉलोनी व्हेन द हनी वाज हार्वेस्टेड. तो सबसे पहले हम ऐसे यूज़ करते थे, जब हमने हनी एक्सट्रैक्ट करना होता तो हम पूरी कॉलोनी को नष्ट कर देते थे. उसको नष्ट कर देने के बाद हम हनी तो एक्सट्रैक्ट कर लेते थे लेकिन पूरी कॉलोनी ख़त्म हो जाती थी, जिससे हम उस बीहाइव को बार बार यूज़ नहीं कर सकते थे और काफ़ी सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेस हमारे ख़त्म हो जाते थे. 2000 years ago, scabs were used, formed from the clay and woven straw. Scabs क्या होते थे? Scabs पहले एक ऐसे स्ट्रक्चर होते थे जो हमें बीस के लिए एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होते थे जिसमें एक पोर होता था. वो एंट्री के लिए भी होता था और वो एग्जिट के लिए भी होता था. तो इसमें बीस रहती थी और अपने सारे एक्स लार्वा और बी हनीस को कलेक्ट करती थी. ये इसे कहते हैं रॉक पेंटिंग. ये रॉक पेंटिंग ये दर्शाती है कि कैसे पहले हम स्केप्स का यूज़ करते थे. ये रॉक पेंटिंग इजिप्ट में मिली थी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइव्स वर यूज्ड, मड हाइव्स, क्ले हाइव्स और नो यूज ऑफ स्मोकर्स. दरअसल पहले कई तरह के हाइव्स भी बनाए जाते थे इजिप्ट में, मड के होते थे, क्ले के होते थे, क्योंकि उस वक्त हमें पता नहीं था कि अच्छा हाइव बनता कैसे है. नो यूज़ ऑफ स्मोकर्स. हम उस टाइम स्मोक तो करते थे लेकिन स्मोकर्स का यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि इस टाइम तो हम टीन के स्मोकर्स का यूज़ करते हैं. उसमें कुछ भी स्मोक करने वाली चीज़ों को जला देते हैं और बीस के ऊपर स्मोक करने के बाद उसका एग्रेसिव नेचर कम हो जाता है. तो हम उस वक्त तो स्मोक करते थे लेकिन स्मोकर्स का यूज स्मोकिंग के लिए नहीं करते थे. द फर्स्ट डोमिकेस्टेड बी हाइव्स फॉर्म्ड फ्रॉम द हॉलो आउट ऑफ ट्रीज. जैसा जो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बी हाइव्स बना था वो इजिप्ट में बना था, वो भी पेड़ के खलचे से.
ये ऐसे दिखता था। दरअसल ये इजिप्ट में मिला था, और ये जो इजिप्ट में जब बी कीपिंग की जाती थी, तो ये उस टाइम की बात है जब हमें पता भी नहीं था कि वर्कर्स क्या होती हैं, क्वीन क्या होती है, ड्रोन क्या होती है। सिर्फ हमें पता रहता था कि इंसेक्ट्स हैं जो हमें हनी देते हैं, और जो ये इंसेक्ट्स थे वो हनी देते थे। केवल हमें यही पता था, उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि बीज वैक्स भी हमें प्रोड्यूस करके दे सकती है, प्रोपोलिस दे सकती है, रॉयल जेली दे सकती है। हमें इसके सिवा कुछ नहीं, हनी के सिवा कुछ नहीं पता था। तो टाइम बीतने के साथ हमें ये सभी जानकारियाँ हुई। विल माइंड फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड अ पैरेलल एरे ऑफ वुडन बार्स अक्रॉस द टॉप ऑफ स्ट्रॉ हाइव एयरस्केप अ सेपरेट स्ट्रॉ टॉप टू बी फिक्स्ड। एक साइंटिस्ट थे विल्डमान, क्योंकि जब टाइम बीतने लगा तो हम लोग को जरूरत थी कि कॉलोनी को नष्ट ना करें। तो विल्डमान एक जो साइंटिस्ट है, उन्हें जरूरत लगी कि ऐसा कुछ बनाया जाए कि जिसमें हम लोग मधुमक्खियों को पाल सकें, और उसे बार बार उससे हम हानि भी निकाल लें और कॉलोनी को भी नष्ट न करना पड़े। तो इन्होंने एक वुडन बार्स बनाया जिसमें मधुमक्खी रह सकती थी। तो ऐसा ये फर्स्ट टाइम था कि ऐसा कुछ हुआ मधुमक्खियों की बी कीपिंग की हिस्ट्री में कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर उनके लिए किसी ने ह्यूमन मेड बनाया। अब मिडविल हिस्ट्री, अब मिडविल हिस्ट्री में कोई ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुए, लेकिन इसमें मिडविल हिस्ट्री जब स्टार्ट हुई तो हमें पता चलने लगा कि ड्रोन क्या होती है, व्यूइंग क्या होती है, उनके मधुमक्खियों के बिहेवियर के बारे में पता चलने लगा। और हमें ये भी पता चला कि सिर्फ जो बीज होती है सिर्फ हनी नहीं प्रोड्यूस करती है, वो उसके साथ साथ वैक्स और प्रोपोलिस और डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करती है। क्योंकि जो जब इजिप्ट में जब हनी बीज को पालना स्टार्ट किया गया था, तो हम हनी इसलिए एक्सट्रैक्ट नहीं करते थे क्योंकि ये बहुत ही मीठा था। मतलब हम लोग उस टाइम ऐसी कंडीशन थे कि हमें और भी टेक्निक्स नहीं पता थे कि हम शुगर बनाते कैसे हैं, क्योंकि अभी तो शुगर गन्ने से बनाई जाती है। पहले हमें नहीं पता था कि शुगर को गन्ने से बनाते हैं और उसे एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके शुगर के फॉर्म में कैसे लगते हैं। तो इजिप्ट वासी केवल हनी का यूज़ करते थे शुगर की जगह। नॉर्थ अमेरिका फर्स्ट वी ब्रॉड द बीज इन नॉर्थ अमेरिका वर्जीनिया 1622। नॉर्थ अमेरिका को माना जाता है कि उधर पहली बार बीज लाई गई थी आर्टिफिशियल बी कीपिंग के लिए। ये एंशिएंट ड्रेस है ऑफ बी कीपर्स। जब हमें पता चल गया था कि हाँ अब हमने मधुमक्खियाँ पालना तो स्टार्ट कर दिया था, तो उस वक्त हमें अपनी सेफ्टी की भी ज़रूरत थी। तो हमने ऐसी कोई ड्रेस तैयार की जिससे हमारे पूरे बॉडी को कवर किया जा सके और उनका स्टिंग हमें ना लगे। देखिए इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि इसके लेग्स हैं खुले हैं, जो आज की मॉडर्न जो बी कीपिंग का ओवरऑल होता है तो उसमें पूरा का पूरा बॉडी पार्ट्स कवर होते हैं। तो ये शुरुआती ड्रेस थी। अब बात करते हैं साइंटिस्ट की, किसका किसका कंट्रीब्यूशन रहा हिस्ट्री ऑफ बी कीपिंग में। ये है चार्ल्स बटलर, 1565 से 1647 इनका टाइम पीरियड माना जाता है। तो चार्ल्स बटलर थे, समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश बी कीपिंग। ही वॉन्ट एमंग द फर्स्ट एस्टर द ड्रोन्स आर मेल एंड क्वीन आर फीमेल। ही ऑब्जर्व दैट बीज प्रोड्यूस वैक्स कॉम्ब्स फ्रॉम स्केल्स ऑफ वैक्स प्रोड्यूस इन देयर बॉडी ओवन। ये जो चार्ल्स बटलर है, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश बी कीपिंग भी कहते हैं। तो इन्होंने पहली बार बताया रिसर्च करके कि जो ड्रोन होती है वो मेल होती है और जो क्वीन होती है फीमेल होती है। और इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया कि जो हनी बी होती है वो केवल हनी नहीं प्रोड्यूस करती, वो उसके साथ साथ वैक्स प्रोपोलिस रॉयल जेली भी प्रोड्यूस करती है। तो ये वो टाइम पीरियड था जब हमें पता चलने लगा कि हाँ
हनी बीज को पालना काफ़ी ही बेनिफिशियल हो सकता था, क्योंकि ये हनी के सिवा और भी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, तो लोग इसको इकोनॉमिक इंडस्ट्री के रूप में देखने लगे और उसको स्टार्ट कर दिया इकोनॉमिक इंडस्ट्री की तरह और उसे बिजनेस स्टार्ट किया। अभी फ्रांकोइस शिवर, इनका टाइम पीरियड माना जाता है 1750 से 1931, इन्हें ब्लाइंड माना जाता था शुरुआत से, लेकिन फ्रांकोइस शिवर ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हिस्ट्री ऑफ बीकीपिंग में। दीज ऑब्जर्वेशन दे वर मेड यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ हाइव इन विच ईच कॉम्ब हैड ग्लास लाइट्स एंड विच ह्यूबर डेवलप्ड दीज हाइव्स वर द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न स्विस एंटोमोलॉजिस्ट हु स्पेशलाइज्ड इन हनीबी। जैसे जो फ्रांकोइस ह्यूबर थे वो स्विस एंटोमोलॉजिस्ट थे और स्पेशलाइज थे हनी बी कीपिंग में, उन्हें हनी मतलब हनी बीज के वो काफ़ी बड़े एक्सपर्ट थे और ये ब्लाइंड भी थे इसके साथ साथ। और इन्होंने एक ऐसी ग्लाइड्स स्लाइड्स का बॉक्स बनाया जिसमें हम देख सकते थे उनकी कैसे बीज अपना बीहाइव बनाती है, उनके बिहेवियर को देख सकते थे, जिससे हमें काफ़ी मदद मिली उनके बिहेवियर के बारे में और भी तरह तरह की जानकारियाँ मिली। तो आज की मॉडर्न हिस्ट्री में इसको ऐसे देख सकते हैं, ये ऐसे दिखता है, डिमॉन्स्ट्रेटेड बिहाइव ऑफ मेड ऑफ द ग्लास लाइट्स। इसमें हम अगर इसमें छत्ते बनाना स्टार्ट कर दें इस तरह के स्ट्रक्चर में बीज, तो हम देख सकते हैं कि हाँ कैसे बना रही है, कौन सी मक्खी कहाँ क्या कर रही है, क्वीन क्या कर रही है, तब स्टार्ट होती है मॉडर्न हिस्ट्री। अब हमें ये भी पता चल चुका था मिडविल हिस्ट्री के आते आते तक कि हाँ बीज को पाल सकते हैं हम और ये कई तरह के प्रोडक्ट्स देती है और इसको काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, हमारे इकोनॉमिक फाइनेंस कंडीशन को देख के वह काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है इसको पालना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चेंज आए क्योंकि हमें काफ़ी थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ मिलने लगी थी कि इनके बिहेवियर इनको पाला कैसे जाता है, लेकिन काफ़ी सारे ड्रॉबैक भी थे क्योंकि उसको तब भी स्टिकनेस है, जब हम लोग हनी को स्टार्ट करते थे बॉक्स से जो विल्ड मान ने बनाया था, तो उसमें भी कई सारी खामियां थी जो आगे आने वाले साइंटिस्ट ने पूरी की। ये लॉरेंजो लैंगस्टन 1810 से 1875 में इनका टाइम पीरियड माना जाता है। लॉरेंजो लैंगस्टन द 19th सेंचुरी सा दिस इवोल्यूशन इन बी कीपिंग प्रैक्टिस कंप्लीटेड थ्रू द परफेक्शन ऑफ द मोबाइल कॉम्ब हाइव बाई द अमेरिकन लॉरेंजो लैंगस्टन then designed a series of wooden frames within a rectangular hive box, carefully maintaining the correct space between the successive frames, and found that the bees would the parallel honeycomb and the box without the bonding them to each others or the hive walls. जैसे जो पहले जब बॉक्स जो बनाए थे विल्मान ने, तो उसमें ये खामियां थी कि उसमें हम लोग हनी को एक्सट्रैक्ट करते थे तो कभी कभी स्टिकनेस या फिर कुछ भी वैल्यूबल थोड़ी बहुत हनी हमारा ख़राब हो जाता था। तो इन्होंने ऐसे बॉक्सेस बनाए, ऐसे डिज़ाइन किया आज मॉडर्न इनके स्ट्रक्चर को, आज हम इसके इनके बनाए गए बीहाइव आर्टिफिशियल बीहाइव को आज भी यूज़ करते हैं। तो इन्होंने ऐसे फ्रेम्स को अरेंज किया, ऐसे बॉक्स बनाए जिसमें हनी बीज डेवलप कर सकती है अपने एग और लार्वा को, और अलग से उसमें हनी को कलेक्शन कर सकती है। तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था, एक फिक्स लेंथ और उसकी एक फिक्स चौड़ाई भी थी, तो इसमें 10 फ्रेम्स होते थे और इनके बीच में फ्रेम्स के एक स्पेसिफिक स्पेस होता था जिससे हम फ्रेम को निकालते वक्त वो स्टिक नहीं होते थे, एक दूसरे से चिपकते नहीं थे। यह है आज का मॉडर्न बीहाइव लैंगस्टन, लॉरेंस लैंगस्टन द्वारा बनाया हुआ, जिसे आज भी यूज करते हैं। द नेक्स्ट साइंटिस्ट विल बी चार्ल्स डटन। तो नाउ द चार्ल्स डटन टेक द एंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ बी कीपिंग। डेडेंट को माना जाता है वन ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग,
And he invented the deadened beehive, which has 42 × 26.6 cm frame. और ये बने थे इनके हैमिल्टन, वन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ बी कीपिंग टूल्स. तो ये ऐसे फ्रेम बनाती थी. इस फ्रेम का फ़ायदा ये हुआ कि जो बीहाइव होती थी उसमें कई सारी डिसीज हो जाती थी, तो वो आर्टिफिशियल बीहाइव्स में भी होना हो सकता था. तो हमने इस फ्रेम की इन्वेंशन के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो गया कि जो डिसीज़ है उनको ओवरकम किया जा सकता है. यह है मेजर वॉन. 1819 से 1923 इनका टाइम पीरियड था. जैसे मेजर वॉन ने बी कीपिंग इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा इजी बना दिया, इन्होंने हनी एक्सट्रैक्टर की को इन्वेंट किया और 1865 में ब्रूनो की बी कीपर कॉन्फ्रेंस में इसको पेटेंट कराया. जो हनी एक्सट्रैक्टर था वो उसके इन्वेंशन के बाद काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया हनी को एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस हो गया. एक एक फ्रेम को हमें निकालने के अपने से एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता था उससे हनी. कई सारे फ्रेम से एक साथ हम उससे हनी को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे और काफ़ी फास्ट प्रोसेस था और प्योरीफिकेशन के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते थे इस एक्सट्रैक्टर के आ जाने से. तो ये है जो शुरुआती दौर में ये हनी एक्सट्रैक्टर है जो हम यूज़ करते थे और इसे फ्रेंच वॉन ने बनाया था. तो ये रही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से ओरिजिन हिस्ट्री, अभी ओरिजिन हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री पूरी. तो ये थी पूरी हिस्ट्री ऑफ बी कीपिंग. तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए. ये है हिस्ट्री ऑफ बी कीपिंग. आपने देखा बायोलॉजिकल पॉइंट. आशीष गुप्ता. थैंक्स.